हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो DLED ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम चल रहा था उसके जितने भी असाइनमेंट है उसको एक ही वीडियो में। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नहीं होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे कि प्रथम सप्ताह में जो आपका असाइनमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी थी, तो आइए बात करते हैं। पहला असाइनमेंट क्या है हमारा, पहले असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होगा आपका, फ्रंट पेज छोड़ दीजिए, जो सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज लिखना है प्रशिक्षु का नाम। सबसे पहले आपको प्रशिक्षु का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद बैच कैसा है, कौन सा है, बैच का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका पड़ जाएगा यहाँ पर। विषय क्या होगा, विषय में लिखेंगे SCERT या डाइट एवं प्रथम संस्था के साझा प्रयास से DLED प्रशिक्षुओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद आप डाल देंगे संस्था का नाम, यहाँ पे लिखेंगे संस्था का नाम, संस्था का नाम जिस भी कॉलेज से आप DLED कर रहे होंगे, और यहाँ पे फिर लास्ट में विद्यालय भी डाल दीजिएगा, ठीक है, जो उस विद्यालय में आपका इंटर्नशिप लगा हुआ है। प्रथम सप्ताह की गतिविधियों की रिपोर्ट, पहले हेडिंग आपकी पड़ जाएगी प्रथम सप्ताह की गतिविधियों की रिपोर्ट करके सीखना, इसमें लिखेंगे SCERT या डायट से प्रथम के साझा प्रयास से संचालित DLED प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 के चलते संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लग जाने के उपरांत सभी शिक्षा व शिक्षण कार्य भी पूर्णतः ठप हो गया। लगातार बंद पड़े स्कूल से बच्चों की शैक्षिक स्तर पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, परंतु करके सीखना इंटर्नशिप कार्यक्रम ने बच्चों को शिक्षण व शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया है। अगली हेडिंग डालेंगे अभिभावकों एवं बच्चों की जानकारी, तो इसमें लिखेंगे इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रारंभ होने के प्रथम दिन यानी कि यहाँ पे अपडेट डाल देंगे से ही मेरे द्वारा अभिभावकों से बातचीत प्रारंभ हुआ, जैसा कि हमें प्रशिक्षण में बताया गया था कि हमें प्रथम यानी कि GP ऐप के द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे अभिभावकों से बातचीत के दौरान मैंने पूरी जानकारी बच्चों की प्राप्त की, पुनः बच्चों के लिए असेसमेंट के तहत संदेश प्रेषित कर उनका शैक्षिक स्तर प्राप्त किया। प्रारंभिक सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए 8 बच्चों का चयन कक्षा 1-2 सुनिश्चित किया, यानी सबसे पहले आपको क्या करना था, अभिभावकों से बात करनी थी और बात करने के बाद कुछ क्वेश्चन भेजने थे। अगर बच्चा उसमें से आपको मतलब 20 बच्चे पहले लेने थे, उसमें से 20 बच्चों के पास आप क्वेश्चन भेजने थे, और जो क्वेश्चन वो कर ले जाता था उसको आपको एक तरीके से छोड़ देना था, जो नहीं कर पा रहे थे उसमें से 8 से 10 बच्चों का आपको चयन कर लेना था, चुन लेना था। तो इस असाइनमेंट में यही आपको लिखना था कि 8 जो भी जितने बच्चे चयन किए आपने उसको यहाँ पे नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद किस कक्षा के लिए आपको आपने उसको सुनिश्चित किया था उसको भी डाल देंगे। मुझे आवंटित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद हेडमास्टर का नाम जो होगा उनका नाम लिख दीजिएगा। मैम के पूर्ण सहयोग से मैंने प्रथम चरण एवं मेरे लिए बिल्कुल नई शिक्षण व्यवस्था को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, ठीक है। साप्ताहिक गतिविधि का फीडबैक, यानी इसका जो जब इसका सप्ताह पहले वाले का सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा उसमें जो साप्ताहिक गतिविधि का जो फीडबैक होगा उसको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से ये दिनांक डाल लीजिएगा कितने से कितने तारीख तक। प्रथम संस्था के सक्रिय सदस्यों द्वारा प्रत्येक दिन से जो भी मैसेज या लिंक मिला वह बच्चों को सेंड किया, फिर उनसे उनकी एक्टिविटी के बारे में अभिभावकों से जानकारी ली। इसमें जो प्रमुख रूप से निकल कर आया कि कुछ अभिभावक बहुत ही क्रियाशील रहे हैं, जबकि कुछ अभिभावक है इसमें पूर्णतः निष्क्रिय रहे हैं। बच्चों का बेसलाइन टेस्ट बच्चों की गतिविधि के लिए मैटर से संदेश सभी चयनित बच्चों को भेजना होता है। प्रत्येक दिन उक्त कार्यक्रम के चरण के अंतर्गत GP ऐप के लिए सभी गतिविधियों को नोट करते हुए ऐप में
अपलोड कर दी जाती है। अब निष्कर्ष क्या निकला इसका पहले सप्ताह का, तो लिखेंगे साप्ताहिक निष्कर्ष। कोरोना वायरस इस महामारी में चलाए जाने वाला यह शैक्षिक कार्यक्रम जिसका प्रथम सप्ताह बहुत ही रुचिकर एवं सफल रहा, बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर संचालित यह कार्यक्रम जिसका प्रथम सप्ताह इंटर्नशिप प्रशिक्षण की प्रतिपुष्टि यथावत अत्यंत रोचक एवं प्रभावी रहा। ठीक है, ये आपका पहला असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंड असाइनमेंट जो कि द्वितीय सप्ताह का होगा। जो जितने भी असाइनमेंट है वो एक एक सप्ताह चल रहे हैं, तो सेकेंड सप्ताह में लिखेंगे असाइनमेंट नंबर टू, बच्चों के लिए चार अनुच्छेद और एक कहानी। ठीक है, पहला अनुच्छेद क्या होगा, जैसा कि ये अलग अलग अनुच्छेद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम सबके रहे, तो पहले अनुच्छेद में हम देखेंगे देश प्रेमी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, जिसकी धरती से उत्पन्न हुए अन्न को खाकर हम शारीरिक दृष्टि से दृष्ट पुष्ट हुए हैं, जहाँ की पवित्र नदियों का अमृत के समान पवित्र और शीतल जल पीकर हमें तृप्ति मिलती है, जहाँ की शीतल मंद और सुगंधित वायु हमारी प्राणवायु में निहित है, और जिस वसुधा पर गृह निर्माण कर हम समस्त सुखों का उपभोग कर रहे हैं, उस देश के कण कण से उसके प्रत्येक जीव एवं उसकी प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारा अत्यंत प्रेम होना स्वाभाविक ही है। मैथिली शरण गुप्त ने तो हमें ने संदेश स्वदेश प्रेम से रहित हृदय वाले व्यक्ति को पत्थर की संज्ञा देते हुए उसे निरपशु के समान माना है, जिसमें ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृत समान है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पहला अनुच्छेद इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम लिखें, जो भी आपने कराया है अपने कॉलेज में, जो आपने बच्चों को भेजा था उसमें जो अनुच्छेद, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे अनुच्छेद में यहाँ पे लिखा हुआ है समय का महत्व है, तो समय का महत्व किस प्रकार से है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मानव जीवन में समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, समय सबसे बलवान है, एक बार बीता हुआ समय पुनः लौट कर नहीं आता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यदि हम अपना कार्य समय पर नहीं करते हैं तो वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है, समय के हाथ से निकलने पर हम सिर्फ पछताते हैं, इसलिए कहा गया है अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें जीवन के प्रत्येक अमूल्य क्षण को पहचान कर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। तीसरा अनुच्छेद यहाँ पे है प्रकृति। प्रकृति हमें पीने को पानी, सांस लेने को शुद्ध हवा, पेड़ के लिए भोजन, रहने के लिए जीवन, पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि हमारी बेहतरी के लिए उपलब्ध कराती है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, प्रकृति से हमें जीवन जीने की उमंग मिलती है, यह धरती जो हमें इतनी सुंदर लगती है वह इस प्रकृति के कारण है, अन्यथा एक निर्जन ग्रह के अलावा कुछ ना हो। प्रकृति में जब तक संतुलन है तभी तक हमारे जीवन में भी संतुलन है। अनुच्छेद नंबर चार में क्या लिखना है, चरित्र ही सच्चा धन है, तो अब जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखें, आप अपना अपने मन से भी लिख सकते हैं, जो आपने भेजा था उसको लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे चरित्र ही मनुष्य का सच्चा धन है, चरित्रहीन व्यक्ति को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, किसी व्यक्ति ने सच कहा है धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, परंतु यदि चरित्र गया तो सर्वस्व गया, सादगी सहनशीलता परोपकार मधुर भाषण संयम संतोष व नम्रता आदि गुण सदाचारी चरित्र धन को और अधिक बढ़ाते हैं, वह व्यक्ति सदा जीवन व उच्च विचार
में विश्वास रखता है, अतः व्यक्ति समाजवाद देश को प्रगति का एकमात्र आधार चरित्र धन ही है। इसमें लास्ट टॉपिक था कहानी। कहानी में क्या लिखेंगे, कोई भी एक कहानी लिख दीजिएगा जो आपके टॉपिक से हो, जो आपने भेजा था। यहाँ पे एक कहानी है खरगोश और कछुआ की, आप तो बहुत बहुत बार इस प्रकार की कहानी सुने हैं, तो इसी कड़ी में देखते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे खरगोश और कछुआ। एक जंगल में कछुआ और खरगोश दो दोस्त थे। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था, यह देखकर खरगोश काफ़ी हंसता था। एक दिन कछुए को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुझे अपनी चाल पर काफ़ी घमंड हो गया है, हिम्मत है तो रेस में मुझसे जीत कर दिखा। निर्धारित समय पर दौड़ शुरू हो गई। खरगोश पलक झपकते ही काफ़ी दूर निकल गया, पर कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अपनी जीत निश्चित मानकर खरगोश सोचने लगा, अभी कछुआ बहुत पीछे है, वह धीरे धीरे चलता है, इतनी जल्दी शर्त जीतने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मैं पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। जब कछुआ पास आता दिखाई देगा तो दौड़कर मैं उसके आगे निकल जाऊंगा और शर्त जीत लूंगा। यह देखकर कछुआ खूब नाराज होगा, बड़ा मज़ा आएगा। खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा। कछुआ अब भी काफ़ी पीछे था। थकान के कारण खरगोश को नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कछुआ आगे चला गया और विजय रेखा पार कर मुस्कुरा रहा है। खरगोश शर्त हार गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, धैर्य और लगन से काम करने वाला विजयी होता है। यानी कि अगर कोई लगातार और धैर्य बना करके अपना कार्य कर रहा है तो वह विजयी होगा। ये चीज़ें आपको बच्चों को बतानी थी, तो आशा करते हैं आपने इस सबको अपने बच्चों को इंटर्नशिप के माध्यम से जो आपका लंच इंटर्नशिप हुआ था उसको बताया होगा। यहाँ पे आपका सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट होता है असाइनमेंट नंबर 3। तो असाइनमेंट नंबर 3 क्योंकि लास्ट में बनाया फिर से, इसलिए आपको उस सीरीज में डाल दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपका जो इसमें एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम की वजह से आपका असाइनमेंट नंबर 3 नहीं बन पाया था। तो असाइनमेंट नंबर 3 अभी जल्दी बना है, तो आपको इसमें फिर असाइनमेंट नंबर 3 को अपनी अगले असाइनमेंट में आपको अटैच कर लेना है, उसको बना लेना है। तो इसमें क्या लिखना होता है कि इसमें लिखेंगे हम लोग तीसरे सप्ताह का असाइनमेंट, जो कि शाब्दिक सवाल है यानी मैथ के हैं। कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए 2 जोड़ 2 घटाना 2 गुणा और 2 भाग, यानी इतने प्रश्न हैं। पहला यहाँ पे दिया होगा जोड़ है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया चित्र के माध्यम से, आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा घटाने का, घटाने का भी यहाँ पे तितलियों के माध्यम से समझाया गया है, इन तितलियों को घटा करके लिखना है। यहाँ पे आपको जी यहाँ पे दिया है तीलियाँ दी गई है माचिस की, उसको भी घटा कर लिखना है। अगला है प्रश्न गुड़े से, यहाँ पे गुड़ा करना है। यहाँ पे कुछ इमोजी बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे होंगे इमोजी, ठीक है। इनको आपस में गुड़ा करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखना है, 5×4। दूसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, उसको यहाँ पे इस प्रकार से आपको सॉल्व करना नहीं, सिर्फ इस प्रकार से बनाना है, ये नहीं कि आप सॉल्व कर ले पूरा। भाग वाला करके यहाँ पे दिखाया गया है, अगर कर देंगे कोई बात नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भाग वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे 4/3 को भाग करना था। दूसरा था यहाँ पे 44 को 2 से भाग करना था, और उसमें सब कुछ बताना था, क्या भाग भाजक क्या होता है, भाज क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है, ये सब चीज़ें बतानी थी। तो आपका जो थर्ड असाइनमेंट था इस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला असाइनमेंट हम लोग देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4। तो असाइनमेंट नंबर 4 आपने बना ही लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो कि सप्ताह नंबर 4 का है, चतुर्थ सप्ताह भाषा गतिविधि। भाषा गतिविधि में देखते हैं पहले दिन में आओ सीखे बड़ा आ की मात्रा। तो बड़े आ की मात्रा किस प्रकार से बनाया गया, यहाँ पे 2-3 उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे आप दिखा देंगे। जैसे कि पहला है आ प्लस आम, आ प्लस मा, आ प्लस गा, का प्लस न। तो यानी सभी सब इस प्रकार से आपको बना लेने हैं, लास्ट में क्वेश्चन दे देना है बच्चों को। दूसरे दिन का जो आपका हो जाएगा चतुर्थ सप्ताह का दूसरे दिन का असाइनमेंट क्या है, दूसरे दिन में 2 वर्डों को मिलाकर शब्द बनाओ। क्योंकि आपको मालूम होता है जो आपका असाइनमेंट बनता है वो पूरे 1 सप्ताह का असाइनमेंट है, तो पहले दिन से आपका कार्यक्रम चलता है, प्लस 1, 2, 3 यानी 7 डे कम्प्लीट होता है, तो आपका अगला असाइनमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन के जो आपका काम है 2 वर्डों को मिलाकर शब्द बनाओ। 2 वर्ड यहाँ पे दिए गए होंगे,
जैसे का प्लस दा क्या मिल गया, कद। इसी प्रकार पा प्लस गा क्या मिल जाएगा, उसको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दे देने हैं और उसके आगे बच्चे करेंगे। तीसरे दिन का असाइनमेंट, तीसरे दिन का जो आपका बनेगा असाइनमेंट, जो आपका गतिविधि होगी कि उसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना होगा आओ कविता पढ़े और याद करें। तो कोई एक कविता लिख दीजिएगा और उसको याद करने के लिए बोला जाएगा आपके बच्चों को। जैसे कि यहाँ पे कविता दिया गया है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो इसको क्या बोलना है कि आपको पढ़ना भी है और उनको याद भी करना है। और चौथे दिन के अगर असाइनमेंट की बात करते हैं, चौथे दिन की गतिविधि की बात करते हैं, तो इसमें लिखना है लिखे और याद करें। यानी कि आपको जो स्वर दिए गए गए होंगे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी से लेकर के अंग यहाँ तक ले, यहाँ आप इसको लिखना है, बच्चों से बोलेंगे और इसको याद करने के लिए कहेंगे। पाँचवें दिन की बात करते हैं तो जानवरों के नाम कुछ आपको दिए गए यहाँ पे, तो आप जानवरों के नाम लिखने के लिए बोला गया होगा। और ठीक है, तो कोई भी जानवर के बोल दीजिएगा, इतने जानवर के नाम लिखिए, जिस प्रकार से आप बनाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम फ्री हैं उस प्रकार से बना सकते हैं। छठा दिन की बात करते हैं, छठे दिन क्या क्या है, तो छठे दिन में यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि शरीर के अंगों, फल या सब्जियों के नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपको दिल में आए वो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड था, आप पढ़ा रहे थे तो आपकी गतिविधि यहाँ पे लिखी जाएगी। ये तो एक तरीके से एक आपका प्रोफार्मा है कि हाँ इस प्रकार से हमको असाइनमेंट बनाने हैं, वैसे कि थोड़ा आपको हिंट मिल जाती है इस प्रकार से, लेकिन लिखना तो अपने मन से ही होता है। तो जो जो चीज़ें लिखनी है उसको वहाँ पे बता दिया गया है, उसी से रिलेटेड आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। सातवें दिन की बात करते हैं, तो सातवें दिन में यहाँ पे मिलान की बात किया गया है। कुछ क्वेश्चन इससे ना से क्या होता है, नल होता है, तो यहाँ पे चित्र दिए गए, नल जो नल होगा उसके सामने आपको तीर लगा के निशान मिलाना है। आम है तो आम का यहाँ पे बनाया गया, आम किससे मिलेगा उसको आगे बच्चे करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार से बना के छोड़ देना है। तो आपका चौथे दिन का असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आइए पाँचवें दिन के असाइनमेंट में क्या लिखना है आपको देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 5, सप्ताह 5, विषय हमारा क्या रहेगा, करके सीखना। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आज अपनी सीख अधिकतम 300 शब्दों में लिखकर साझा करें। अभी तक आपने जितने भी ऑनलाइन इंटर्नशिप का कार्यक्रम हुआ उस दौरान आपने कौन कौन से सीख किए सीखे, क्या क्या सीखा, उनको कितने शब्दों में आपको कम से कम अधिकतम आपको 300 शब्दों में लिख करके उसको साझा करना है असाइनमेंट नंबर 5 में। तो इसमें लिखेंगे करके सीखना इंटर्नशिप कार्यक्रम। आप यहाँ पे सबसे पहले डाल लेंगे, लिख लेंगे SCERT या डायट प्राथमिक विद्यालय, और विद्यालय का नाम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे और GP ऐप के सहयोग से मैंने DLED 2018-19-20 हैं, तो अगर 2018-20 लिख दीजिएगा, अगर 19-21 है तो 19-21 लिख लीजिएगा। बैच चतुर्थ सेमेस्टर, या अगर दूसरे सेमेस्टर का तो दूसरे सेमेस्टर डाल दीजिएगा, चतुर्थ सेमेस्टर का है तो चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षु ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1-2 के बच्चों से भाषा एवं गणित के स्तर में कमजोर बच्चों का चयन करके उन्हें ऑनलाइन शिक्षण देने की प्रक्रिया को शुरू किया, जिससे कि बच्चों के गणित एवं भाषा का स्तर में सुधार हो सके। इस प्रक्रिया के दौरान मैंने यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, कक्षा 1-2 के 8 बच्चों का चयन किया, आप जितने भी बच्चों का चयन किया था उतने बच्चों का नाम यहाँ पे उतना डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इस ऑनलाइन इंटर्नशिप में सर्वप्रथम हमने छात्रों के अभिभावकों से बात करके उन्हें ऑनलाइन टीचिंग से अवगत कराया और उनसे अनुरोध किया कि इसमें अपनी उचित सहभागिता दें। इसी क्रम में हमने बच्चों को व्हाट्सएप मीडिया द्वारा मैसेज भेजना शुरू किया और बच्चों की समस्या का समाधान किस प्रकार करना है इस पर विचार विमर्श किया। तो ज़रूरी नहीं था कि आप पे व्हाट्सएप से ही मैसेज करें, आपको SMS के माध्यम से भी करने का वहाँ पे सुझाव दिया गया था, तो आप SMS के माध्यम से ही कर सकते थे, क्योंकि बहुत लोग के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो जिसके पास सिंपल फ़ोन था उसको SMS के माध्यम से ही क्वेश्चन भेजने थे। ठीक है, उस पर विचार विमर्श किया, समस्या का समाधान किया,
प्रतिदिन बच्चों के पाठ्यक्रम को उनके स्तर अनुकूल किस प्रकार बनाया जाए उनकी जानकारी प्राप्त हुई। अभिभावकों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को सुनने व समझने से हमारे सामाजिक गुणों का विकास हुआ और छात्रों एवं उनके अभिभावकों की समस्या को कैसे सरल तरीके से सुलझाना है ये भी हमने इस ऑनलाइन इंटर्नशिप के द्वारा ही सीखा। प्रतिदिन भेजे जा रहे मैसेज से हमने यह सीखा कि खेल कूद एवं परिवेश द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। घर में रहकर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व शारीरिक विकास को जारी रखने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः भविष्य में कभी भी मुझे ऑनलाइन या स्कूल में पढ़ाने का अवसर प्राप्त होने पर मैं पाठ्यक्रम को बच्चों के स्तर के अनुसार बनाऊंगी और खेल कूद गतिविधि के माध्यम से उन्हें सरलतम अधिगम कराऊंगी या कराऊंगा, जो भी आप हों उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। गतिविधि के माध्यम से उन्हें यहाँ पे सरल अधिगम जो सरल अधिगम होगा वो सरलतम रूप से कराया जाएगा। इस इंटर्नशिप से मुझे भविष्य में कुशल अध्यापक बनने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो आपका जो असाइनमेंट नंबर 5 था यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो जितने भी असाइनमेंट थे आपको इसी एक ही वीडियो में पूरे मिल जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।